हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज। सो आज हम आपके लिए चैप्टर लेकर आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो सभी क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको आपके लिए ही कुछ इंपॉर्टेंट जरूरी बातें बता दूं जो कि आपकी क्वेरीज में हमें मिलती रहती हैं, और वो ये हैं कि अगर आप अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उसके लिए सीरियस हैं, सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे प्लस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, विच इज देयर ऑन आवर अन अकेडमी प्लस ऐप। ओके, और जब आप फीस की पेमेंट करने जाते हैं तो आप आनंद सर का ये कोड है आनंद, इसको आप जरूर यूज करें। जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट हो सकता है वो आपको अवेल होगा उस वक्त। और अगर आपको एनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही है सो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7303088743 पर। ओके, सो ये रही बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके प्लस कोर्स के बारे में। और अगर आपको हमारे वीडियोस के पीडीएफ्स, नोट्स या फिर अदर इंफॉर्मेशन चाहिए सो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर जरूर आए, जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी स्टडीज से रिलेटेड मिलेंगी। ओके, विच इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और अगर आपको माइंड मैप चाहिए, एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, एंड देर आर सो मेनी नंबर ऑफ थिंग्स विच यू कैन नीड, सो आप वो सब कुछ इस वेबसाइट www.anandmani.com पर ले सकते हैं। ओके, डाउनलोड भी कर सकते हैं। So now, let us go to our questions of this chapter. So this is our question number one. So यहाँ पर मैं आपके लिए छोटा हो जाता हूँ. So this is our question number one. A square of side L meters lies in the XY plane in a region where the magnetic field is given by B equals to B naught 2i cap plus 3j cap plus 4k cap Tesla, where B naught is constant. The magnitude of flux passing through the square is. अब आप देखिए कि XY प्लेन में है, ओके? So अगर XY प्लेन में सिचुएटेड है, अगर ये स्क्वायर, तो फिर इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? Z एक्सिस के अलोंग होगा। यहाँ पर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स पूछा गया है, ओके? So फ्लक्स का अगर मैं मैग्नीट्यूड देखूं, so that is B dot ds, ओके? So ये तो एनीवे स्केलर ही है, so इस फ्लक्स की वैल्यू अगर मैं देखूं, सो अब ये जो ds वेक्टर है एरिया, सो एरिया किस डायरेक्शन है? k कैप डायरेक्शन में। सो इसको मैं लिख सकता हूं एरिया वेक्टर इज इक्वल टू l स्क्वायर k कैप, इस तरीके से लिख सकता हूं। अब आप देखिए जब मैं फ्लक्स निकालने जाऊंगा, इफ आई डू b डॉट ds वेक्टर, सो यहां पर सिर्फ k कैप वाला कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा i कैप और j कैप वाले कंपोनेंट्स का, कोई रोल नहीं होने वाला है। तो क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा? B नॉट इंटू 4 इंटू एल स्क्वायर, ये आपका एरिया वाला टर्म है, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। अ लूप मेड ऑफ स्ट्रेट एजेस हैज सिक्स कॉर्नर्स A 000, B L 00, C L L 0, D 0 L 0, E 0 L L and F 0 0 L. A magnetic field B equals to B naught into I cap plus K cap Tesla is present in the region. The flux passing through the loop A B C D E F A is. Okay. So यहाँ पर सबसे पहले हम उसको बना लेते हैं जिस फिगर की ये बात कर रहा है। तो देखते हैं वो फिगर कैसा दिख रहा है। Let us say. Let us see if this is our y-axis, this is x-axis and this is, let us say, z-axis. So, सबसे पहले कह रहा है A 0 0 0 पर, तो ये हो गया हमारा, जैसे हम बना लेते हैं, let us say, this is our point A. B है L 0 0, this is B at, this is B at L 0 0. ऑफ कोर्स ये जो दूरी है वो L है। देन वी हैव C एट एल एल जीरो, सो C एट एल एल जीरो, सो वो हो जाए यहाँ पर दिस C। देन वी हैव D एट जीरो एल जीरो,
So this is point number D. Then we have E at 0 LL. So this we have at 0 LL. Yahan par aa jayega. This is point number E. Then we have F at 0 0 L. Ye raha aapka F. Okay. तो आप देखेंगे तो इस तरीके से ये लूप कंप्लीट हो रहा है. दिस इज द लूप. ओके, दिस इज द लूप. अब आप देखिए यहां पर आपको दो स्क्वायर नजर आ रहे हैं, एक तो है ए बी सी डी और दूसरा है ए ई डी एफ. ओके, या फिर ए डी ई एफ, दो स्क्वायर नजर आ रहे हैं. अब ए बी सी डी के लिए जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किधर होगी? उसकी डायरेक्शन होगी जेड डायरेक्शन एरिया वेक्टर की. और जो वाई जेड प्लेन में ए डी ई एफ स्क्वायर है इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? एक्स डायरेक्शन में. सो एक्स डायरेक्शन में होगा तो हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर आई कैप, और जेड डायरेक्शन में होगा तो हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर के कैप. ठीक है, अब यहां पर आप देखिए आपको क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है. So this is B equals to B naught into I cap plus K cap. ठीक है, अब हमें यहां चाहिए flux. So this is B naught into I cap plus K cap dot. यहां हम क्या लिख सकते हैं? L square into I cap plus K cap. So I वाला I से multiply होगा और K वाला K से multiply होगा. So क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 times B naught into L square. ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा. 2 बी नॉट एल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सिलिंड्रिकल बार मैग्नेट इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस. अ वायर इज कनेक्टेड फ्रॉम द एक्सिस एंड इज मेड टू टच द सिलिंड्रिकल सर्फेस थ्रू अ कॉन्टैक्ट. देन क्या होगा, कैसे करेंट फ्लो होगा, किस डायरेक्शन में होगा, ये सारी बातें पूछी गई हैं. अब आप देखिए जब आप उसको घुमा रहे हैं बार मैग्नेट को, सो वहां से ऑब्वियसली एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है. लेकिन करंट जनरेट होने के लिए क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ वेरी होना पड़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को टाइम के साथ वेरी होना पड़ेगा, तभी करंट आएगा. लेकिन यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है, सो इसलिए कोई भी करंट इसमें नहीं आएगा. ओके, तो इसीलिए हम क्या कह देंगे इसमें? नो करंट फ्लोस थ्रू द एमिटर. दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर टू कॉइल्स ए एंड बी शोन इन फिगर 6.2. अ करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन बी एज शोन व्हेन ए इज मूव टुवर्ड्स बी एंड स्टॉप्स व्हेन ए स्टॉप्स मूविंग. The current in A is counterclockwise. B is kept stationary when A moves. We can infer that. अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है. सबसे पहले मैं आपको इसका background concept समझा देता हूं, ये कैसे operate कर रहा है, क्योंकि आगे भी कुछ questions आपको इसी तरीके से मिलने वाले हैं. देखिए अगर let us say current flow हो रहा है anti-clockwise, तो magnetic field lines इसकी बाहर की तरफ आएंगी और ये हम मान सकते हैं कि ऐसे अंदर की तरफ जाएंगे, ये बाहर आएंगे और इस तरीके से अंदर आएंगे. ठीक है, और यही करंट अगर लेट अस से क्लॉकवाइज चलता है सो कैसे होगा? अब इस तरीके से हम अपना राइट हैंड यूज करें, सो थंब किधर पॉइंट कर रहा है? अंदर की डायरेक्शन में. सो अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में होगा, तो अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा. ओके, मैग्नेटिक फील्ड अंदर आता हुआ बनेगा. अब इस क्वेश्चन में आप देखिए क्या हो रहा है, ए के अंदर काउंटर क्लॉकवाइज करंट दिया हुआ. ठीक है, सो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, मैं इसको रब कर देता हूं. तो यहां पर क्या दिया हुआ है हमारे पास कि ए के अंदर हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज करंट दिया हुआ है. अब इसका मतलब है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है. ओके, सो बाहर की तरफ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं. अब यहां पर अगर मैं लूप बी रख दूं, ओके, सो ये क्या होगा, ये लूप बी के अंदर जाएगा इस तरीके से. ओके, सो लूप बी के अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ए से निकल रहा है. तो अगर मैं देखूं कि अगर ए को अगर मैं बी की तरफ मूव कर रहा हूं,
सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गोइंग इनसाइड बी आर गोइंग टू इंक्रीज. ओके, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गोइंग इनसाइड बी आर गोइंग टू इंक्रीज. तो बी क्या करेगा, लेंस लॉ से अब ये ऐसा करंट जनरेट करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ आए, बाहर की तरफ, दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेटेड बाय ए. सो उसके लिए इसको कैसे करंट जनरेट करना पड़ेगा, दैट विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तभी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, आप देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हो पाएगा. सो इसीलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, अब हम चूज कर सकते हैं. तो देखिए ए का करंट का डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज है, इतना तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है. ओके, सो हम यहां पर चूज कर सकते हैं कि यहां पर लास्ट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि उसमें देयर इज अ कांस्टेंट करंट इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन ए, ये हो सकता है. ए ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज करंट की बात कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता. अब देखिए ये कॉन्स्टेंट करंट की बात कर रहा है, कहीं वेरिंग करंट की बात हो रही है. सो करंट कांस्टेंट होगा या वेरिंग होगा इसके ऊपर चर्चा कर. सो देखिए कह रहा है कि जब ए को चलाना हमने रोक दिया तो बी के अंदर भी करंट बंद हो गया. तो अगर ए का करंट अगर वेरिंग होता, ओके, अगर मैं यूं कह सकता हूं कि इफ करंट इन ए वॉज वेरिंग तो क्या होता, अगर करंट ए के अंदर बदल रहा होता तो क्या होता, ए के रुकने के बावजूद बी में करंट होता. ओके, देन बी विल हैव करंट इवन व्हेन ए स्टॉप्स. लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा, ए रुक रहा है तो बी में करंट भी रुक जा रहा है, इसका मतलब है कि ए में जो करंट है वो क्या है, कांस्टेंट है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर करेक्ट आंसर. ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज है और कांस्टेंट भी. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. सेम एज प्रॉब्लम 4, पिछले प्रॉब्लम को रेफर कर रहा है. एक्सेप्ट द कॉइल ए इज मेड टू रोटेट अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस. अब जो है इसको वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है. सो ठीक उसी तरीके से अगर मैं एक एक करके केस लूंगा. तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. नाउ करंट फ्लोस इन बी इफ ए इज एट रेस्ट. नो करंट फ्लो, अभी भी वही है, कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा. कब, जब ए रेस्ट पर है. द करंट इन कॉइल ए व्हेन द करंट इन बी इज काउंटर क्लॉकवाइज एंड द कॉइल ए इज एज शोन एट दिस इंस्टेंट टी इक्वल टू जीरो इज. अब देखिए इस इंस्टेंट पर, ओके, हमें बताना है कि करंट की डायरेक्शन क्या है. तो चलिए जज करते हैं हम. तो मैं आपके लिए यहाँ पर फिर से एक स्लाइड ले लेता हूँ समझाने के लिए. तो देखिए ये आपका लेटर से ए है. अगर मैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट को मान लूँ, तो एंटी क्लॉकवाइज मान लूँ इसका मतलब है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही हैं. अब यहाँ पर बी रखा हुआ है तो ये फील्ड लाइंस बी के अंदर जाएंगी. ओके, और जब ए को आप इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो ये फील्ड लाइंस जो अंदर की तरफ जा रही हैं they will start decreasing. So इसको अपोज करने के लिए लेंस लॉ के अकॉर्डिंग बी को क्या करना पड़ेगा, इट विल हैव टू जनरेट अ करेंट, ओके, विच जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि उसको बढ़ाना है. सो इस डायरेक्शन में इसका करंट आएगा बी का. बट आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि बी में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसीलिए ये assumption गलत हो गया. अब हम दूसरा वाला assumption ले लेते हैं. लेट अस से कि ए के अंदर क्लॉकवाइज करंट बह रहा है. अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आएंगी, यानी कि बी से बाहर निकल कर आएंगी. अगर बी से बाहर निकल कर आएंगी और आपने ए को घुमाना शुरू कर दिया वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, अब क्या होगा, बाहर जाती हुई फील्ड लाइंस कम होने लगेंगी. सो बाहर जाती हुई फील्ड लाइंस को बढ़ाने के लिए B में जो करंट इंड्यूस होगा वो किधर होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. तो इसीलिए यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि सेकंड अजम्पशन हमारा सही है, फर्स्ट अजम्पशन गलत है. सो A में जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या आ गई बताइए, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और कैसा करंट है, कॉन्स्टेंट है. क्यों, क्योंकि A को रोक देने पर बी में भी जो करंट है वो जीरो. तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट. ठीक है,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. द सेल्फ इंडक्टेंस एल ऑफ अ सोलेनोइड ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए विद अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन इंक्रीजेस एज. देखिए कब इंक्रीज होगा ये बताना. सो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, एल इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ. अब ये जो स्मॉल एन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एल, उसको पुट कर देते हैं यहां पर स्मॉल एन. सो दिस इज म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू ए इंटू एल. अब देखिए क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल. अब बताइए एल की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब एल की वैल्यू घटेगी और ए की वैल्यू बढ़ेगी. कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एल डिक्रीजेस एंड ए इंक्रीजेस. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट. ठीक है, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अब यहां से हम मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जिसके एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं. क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, अ मेटल प्लेट इज गेटिंग हीटेड, इट कैन बी बिकॉज. अब देखिए किस कारण से मेटल हीट होता है, ऑब्वियसली उसमें करंट बहेगा तो हीटिंग होगी. अब वो करंट एसी हो या डीसी हो दोनों ही केस में हीटिंग होगी, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट होगा ही, ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट होगा. ओके, क्योंकि करंट एसी या डीसी कोई भी हो उसमें हीटिंग होगी. अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है, बी और सी ऑप्शन में, इट इज प्लेस्ड इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. अब देखिए जो ईएमएफ जनरेट होता है वो इस तरीके से होता है डी फाई बाई डी टी. इसका क्या मतलब है कि फ्लक्स जो है, फ्लक्स चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम. अगर फ्लक्स टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा तो ही करंट आ सकता है. सो यहां पे कह रहा है कि प्लेस्ड इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज होगा, इसलिए ऑप्शन बी भी सही हो सकता है. ओके, ये केस भी हो सकता है. इट इज प्लेस्ड इन ए स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बट डज नॉट वेरी विद टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो ये वाला पॉसिबल. ओके, सो कौन कौन से सही ऑप्शन हो जाएंगे, ए बी और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हिच इज नॉट कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, दिस कैन बी ड्यू टू. सो यहां पर भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, कह रहा है कि ये कॉइल है. ओके, इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, तो कैसे ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है, जब टाइम के साथ फ्लक्स चेंज होगा. ओके, और वो कैसे चेंज होगा, जब टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो. ओके, सो लेट अस कंसीडर ऑल द पॉसिबिलिटीज, एक एक करके पढ़ते हैं. ऑप्शन ए इज द कॉइल बीइंग इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. सो ये ऑप्शन हो सकता है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में हो तो हो सकता है. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, कॉइल मूविंग इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसमें भी फ्लक्स चेंज हो सकता है. सो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो करेक्ट, द कॉइल मूविंग इन अ कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में अगर कॉइल अपना ओरिएंटेशन चेंज करे, ओके, सो बी डॉट डी एस में एंगल चेंज होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में. सो कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में भी ये पॉसिबल है, तो इसीलिए ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया. ऑप्शन डी कह रहा था कॉइल स्टेशनरी इन एक्सटर्नली स्पेशल वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड विच डज नॉट चेंज विद टाइम. कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रहा, कॉइल भी स्टेशनरी है, तो इसीलिए जो फ्लक्स रहेगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता. सो करेक्ट ऑप्शन क्या क्या हो गए, ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी. ओके, नाउ अब हम चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9. The mutual inductance M12 of coil 1 with respect to coil 2 is. देखिए इसमें एक चीज तो बहुत हम अच्छे से जानते हैं कि M12 और M21 की वैल्यू बराबर होती है. सो ऑप्शन नंबर डी तो हम अभी से मार्क कर लेते हैं, इज द सेम एज M21 ऑफ कॉइल 2 विद रेस्पेक्ट टू कॉइल 1. अब देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें पता है कि क्या है, लेट अस से दो कॉइल्स पास पास रखे हुए हैं. अब इस कॉइल में लेट अस से हमने करंट को फ्लो किया और ये करंट चेंज होने लगा. सो जो मैग्नेटिक फ्लक्स ये जनरेट कर रहा है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, उसके कारण यहां पर एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा सेकेंड कॉइल में.
और अगर ये करंट चेंज हुआ या किसी भी कारण से मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट कर रहा है कॉइल नंबर वन, अगर ये चेंज हुआ तो कॉइल नंबर टू में जो फ्लक्स होगा वो भी चेंज होगा, और उस फ्लक्स के चेंज होने से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, सो अब इसमें देखिए कि कौन कौन से फैक्टर पे वो क्या होगा, चेंज हो सकता है या इंक्रीज हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इंक्रीजेस व्हेन दे आर ब्रॉट नियरर। अब देखिए जब दोनों को पास लाएंगे ओके, सो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी ओके, फ्लक्स बहुत तेजी से चेंज होगा, इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस भी ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बी क्या कह रहा है, डिपेंड्स ऑन द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल्स। देखिए करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे डिपेंड कर रहा है, सो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो जाएगा। इंक्रीजेस व्हेन वन ऑफ देम इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस। कह रहा है रोटेट करेंगे तो देखिए अगर दोनों के परपेंडिकुलर, अगर दोनों का एरिया वेक्टर पैरेलल है तब तो रोटेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर दोनों किसी और ओरिएंटेशन में रखे हुए तो रोटेट होने से क्या होगा, वो फ्लक्स कम हो सकता है ओके। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए एंड डी आर द ओनली करेक्ट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन ओके। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अ सर्कुलर कॉइल एक्सपैंड्स रेडियली इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, दिस कैन बी बिकॉज। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक मेरे पास कॉइल है लेट अस से, इस तरीके से मैं इसका रेडियस बढ़ा रहा हूं ठीक है, कुछ टाइम बाद लेट अस से ये कॉइल ऐसे हो गया, लेकिन रेडियस बढ़ाने के बावजूद जो ईएमएफ जनरेटेड है वो जीरो है, इसका क्या क्या मतलब हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर ए कह रहा था मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट, लेकिन देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कि ये कॉइल है और परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर इस कॉइल का एरिया बढ़ता है तो फ्लक्स चेंज होगा, तो फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ तो जनरेट होगा ओके। सो इसीलिए इसमें ईएमएफ नॉन जीरो है, सॉरी एक करेक्शन है, यहाँ ईएमएफ जीरो है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ओके। सो ए ऑप्शन में तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज इन द सेम प्लेन एज द सर्कुलर कॉइल एंड इट मे और मे नॉट वेरी। कह रहा है कि जो कॉइल है कॉइल के प्लेन में ही मैग्नेटिक फील्ड है। सो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है कॉइल का दोनों के बीच एंगल 90 हो गया, सो इस केस में ईएमएफ क्या हो गया, फ्लक्स ही जीरो हो गया, सो ईएमएफ भी क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि वो फ्लक्स कभी चेंज नहीं हुआ। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो पॉसिबिलिटी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। द मैग्नेटिक फील्ड हैज अ परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट हुज मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग सूटेबली। अब देखिए एक चीज ये हो सकती है कि जो आपने लूप का एरिया बढ़ाया उसके कारण, अब देखिए फ्लक्स में दो फैक्टर हैं बी डी एस इंटू कॉस थीटा। सो इसमें देखिए कि अगर आपने डीएस यानी जो एरिया वेक्टर है उसको बढ़ाया आपने, बट मैग्नेटिक फील्ड को कम करना शुरू कर दिया, लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है सूटेबली, देखिए कि एक पर्टिकुलर रेट से ही उसको घटाया जा रहा है, सच दैट कि जिस रेट से एरिया बढ़ रहा है उसी रेट से लेट अस से मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया। सो दोनों फैक्टर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और उस केस में भी पॉसिबिलिटी है कि ये फ्लक्स क्या हो जाए, कॉन्स्टेंट हो जाए, और ईएमएफ जनरेटेड क्या हो जाएगा, जीरो। सो दिस इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखिए, देयर इज अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, सो ये टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, सो इसीलिए दिस इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी ओके। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। 10 क्वेश्चन थे इसमें और आई होप आपको सब क्लियर है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।